तो हाँ, तो यार गाइज हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने सोनी के कार स्टीरियो को ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि दोस्तों मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि हमारा जो कार स्टीरियो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम अपने कार स्टीरियो को ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल स्टीरियो होते हैं वो तो आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो कंपनी के स्टीरियो होते हैं, सोनी के स्टीरियो होते हैं, उनको कनेक्ट करना दोस्तों नए आदमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कार स्टीरियो की तरफ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये है हमारा सोनी का A416 BT कार स्टीरियो। आपके पास दोस्तों कोई भी कार स्टीरियो हो सकता है, चाहे वो A410 हो चाहे 416, दोनों में ही सेटिंग दोस्तों सेम ही होगी। तो ये सोनी का A416 BT कार स्टीरियो है। ये ही स्टीरियो मैंने क्यों खरीदे था, इसके बारे में मैंने वीडियो बना, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और इसकी म्यूजिक सिस्टम की फिटिंग की वीडियो, दोनों वीडियो मैंने बनाई है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। जब अपनी कार में आप स्टीरियो को इंस्टॉल कर लोगे, कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, ये अभी डेमो मोड में है। सबसे पहले आपको ये बटन दबाना है यहाँ पर। जैसे ही आप ये नो वाला बटन दबाओगे, आपको यहाँ पर जनरल सेटिंग देखने के लिए मिलेगी, और फिर आपको जनरल सेटिंग में ही यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर लिखा आ रहा है सेट डेमो मोड, इसको सबसे पहले दोस्तों आपको ऑफ कर देना है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये डेमो मोड है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अभी डेमो मोड ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है। तो ऑफ करने के लिए आपको एक बार पीछे की तरफ यहाँ पर घुमाना है इसको, और ये यहाँ पर ऑफ हो चुका है। और ओके करने के लिए आपको एक बार दबा देना है। तो दोस्तों, अभी जो हमारा डेमो मोड है वो यहाँ पर ऑफ हो चुका है। अब आपको सेटिंग से बाहर आ जाना है ये वाला बटन दबाकर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम सेटिंग से बाहर आ चुके हैं, और आपको यहाँ पर सोर्स वाला बटन ये यहाँ पर दबाना है। तो यहाँ पर टोनर के नाम से FM चलेगा हमारा, यहाँ पर FM अभी चल चुका है, और यहाँ पर USB है, और ये है हमारा ऑक्स, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मोड पर इसको कर देना है। तो अब आपको ये वाला बटन दबाना है। तो जनरल की सेटिंग आ गई, अब आपको यहाँ पर ब्लूटूथ में चला जाना है। ये साउंड है, डिस्प्ले है, और यहाँ पर ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है सेट पेयरिंग, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट किया था, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर है दोस्तों एक और Oppo F7, ये भी दोस्तों मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया था। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस कार स्टूडियो में आप दो मोबाइल को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आती है आपके फोन की बारी, फिर आपको फोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा मॉडल नंबर आ चुका है DSS A416 BT, इस पर मैं अभी यहाँ पर पेयर करने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पेयर का ऑप्शन आ चुका है, इसको मैं यहाँ पर पेयर कर दे रहा हूँ। तो इसको अलाउ कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ अभी हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद हमारी एक और वीडियो आएगी, जिसमें आपको मैं इसके सारे ऑप्शन बताऊंगा, जितनी भी सेटिंग है और इसके अंदर क्या क्या फीचर है, सारा कुछ उस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम सेटिंग से इसके बाहर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम यहां पर बाहर आ चुके हैं, और वॉल्यूम को मैं यहां पर 32 कर दिया है मैंने यहां पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूं। तो ये हमारा फोन है, तो ये है इसका म्यूजिक। तो दोस्तों, अभी मैं यहां पर एक म्यूजिक यहां पर प्ले करने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों, साउंड अभी हमारी आ चुकी है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाए। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।